नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बजाज का एयर कूलर रिपेयरिंग का है, ये ग्रामीण एरिया में से है। वहाँ 440 वोल्ट आया था, चालू में बंद पड़ गया है। 2014 मॉडल है दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ओल्ड मॉडल है, अब तक मस्त चल रहा था, पर 440 वोल्ट आने से इसकी मोटर जल गई है पूरी। ओनली ये सबमर्सिबल घूम रहा है, सबमर्सिबल का आवाज आ रहा है और मूविंग हो रहा है। स्पिन मोटर खराब हो गई है। अभी खोल रहा हूँ दोस्तों, अभी एक्चुअली दो दिन से प्रयत्न कर रहा हूँ इसे खोलने का। पूरे ये सब पानी में रहने के कारण ये सड़ जाता है। इसे स्प्रे करके रखा था मैंने। अभी ये चार स्क्रू इसके निकले हैं नीचे बेस के, अभी ये स्क्रू निकलने बाकी है ऊपर के, वो निकल रहा हूँ। ये पूरा निकल के अंदर ब्लो होता है। ये मोटर ऑर्डर दिया है मैंने, और मोटर भी बिठाऊँगा दोस्तों इसे। पूरा ये हेलीपैड निकल के बाजू को रखा है, ऊपर पानी की पाइप है ऊपर। यहाँ से स्क्रू है इसे, यहाँ स्क्रू है अंदर, निकल रहा हूँ। दोस्तों मैं अनिरुद्ध पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे वर्कशॉप चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों ये रिपेयर कर रहा हूँ, इधर चार स्क्रू है, इधर चार स्क्रू है, ये निकल लिए है, तभी ये ब्लोअर पूरा नहीं निकल रहा है। ऊपर भी स्क्रू है इसे, ये ओल्ड मॉडल को बहुत अलग टेक्निक यूज करते थे। ये तो स्क्रू निकल गया है, और कहाँ है देखेंगे, और यहाँ भी है। कीप इट वॉचिंग दोस्तों, ये पूरा मैं निकल के नीचे लेता हूँ। पूरा ये ब्लोअर निकल के मुझे नीचे लेना होगा, तभी ये मोटर देखिए, मोटर के नटबोल्ट भी पूरे सड़ गए हैं। देखिए मैं स्प्रे WD-40 स्प्रे मारा है इस पर, निकलता है क्या देखें, कल ही मार के रखा है। पहले ये ब्लोअर नीचे निकल के लेता हूँ मैं, पर इस ब्लोअर को लॉक है ऊपर, लॉक दबाने पर ये ढक्कन ऊपर का निकलता है, फिर ब्लोअर निकालना पड़ता है, फिर ही मोटर निकलता है नीचे। इसका नीचे के स्क्रू मैंने निकाल दिया है दोस्तों, पानी की टंकी में ही रहता है। ये पूरा प्लास्टिक है, ABS प्लास्टिक है, खराब होता नहीं कुछ। दोस्तों ये पूरा निकल दिया है ब्लोअर, देखिए ये बहुत ओल्ड टेक्निक थी दोस्तों। अभी ये नीचे ब्लोअर रहता है, इससे बड़ा रहता है, ये छोटा वाला है। अभी नए टेक्निक को अलग टेक्निक आई है, ये फिर 2014 का ओल्ड मॉडल है दोस्तों। यहाँ एक स्पिन की मोटर है, हवा इधर उधर आने के लिए, देखिए ये घूमने के लिए यहाँ मोटर है। ये सबमर्सिबल है और ये मेन मोटर ही है, ये जल गई है, अभी ये निकलूँगा दोस्तों। का स्विच का वायरिंग है, दो स्विच है यहाँ। यहाँ पे लॉक है सभी तरफ, यहाँ लॉक है दोस्तों, ये दिख रहे हैं आपको लॉक। ये लॉक निकल के ऊपर किसने पर निकल जाता, सभी तरह लॉक है। वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लोग रुपये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे जेन्युइन कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे।
दोस्तों ये निकल दिया है पूरा बाहर, अभी सीधे लैंप पर लगाया है। ये मेन की नीली वायर जोड़ दी है, ये मेन वायर है नीली, देखिए ये स्पीड है 1-2, ये काला मीडियम, ये लो वाइट, और ये हाई। देखिए किसको भी कंटिन्यूटी में नहीं मिल रहा है, कौन सा भी स्पीड नहीं पकड़ रहा है दोस्तों, मैंने मोटर खराब हो गई है। अभी मैं मोटर बदलूंगा दोस्तों इसकी, ये शॉर्ट डायट हो रहा है, पेज न्यूट्रल, मोटर खराब हो गया, वाइंडिंग कट हो गया इसका। दोस्तों ये ऊपर का ब्लोअर निकल दिया है, ये देखिए इसे डबल स्क्रू था आगे की साइड पीछे की साइड, यहाँ पे था ऐसा, ये इजीली निकल गया दोस्तों। कल से मैंने इसे स्प्रे करके रखा था इधर उधर सब तरह, और इनट भी इजी से निकल रहे हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। क्वालिटी अच्छा है कूलर की, इजीली दोस्तों निकल गए। देखिए कवर कैसा हो गया गर्म होके, ये भी दोस्तों नट नीचे के मैंने निकाल दिए, निकल जाएगा इजीली, नो प्रॉब्लम। दोस्तों ये नई मोटर मिल गई है कूलर की, ये पुरानी मोटर आपको मैंने चेक करके दिखाई थी, ये नई मोटर 50 वॉट 1320 आरपीएम। सिर्फ इसे भी अल्टर करना पड़ा दोस्तों, इसके स्टड छोटे थे एक ही तरफ से, ये नए मॉडल के अभी कूलर है इसे ऐसा रहता है, एक साइड को ये बैठता है वो प्लास्टिक में, ये जो मोटर है वो दोनों साइड को बैठती है, ये नीचे भी नट बोल्टिंग है और ऊपर भी नट बोल्टिंग है, इसलिए इसके स्टड जो है चार, ये चारों स्टड इसे लगाने पड़े निकाल के, स्टड निकाल के लगाए, जो ये नए अभी इस मोटर के स्टड है ये नए, देखिए गैल्वनाइज के, रस्ट नहीं पकड़ेगा, अच्छी मोटर लाया था मैं, ये भी अच्छी मोटर है, 14 बरस में थोड़े भी रस्ट नहीं पकड़ा था, नट बोल्ट नहीं इसकी, स्टड इसे लगा दिया, देखिए अभी फाउंडेशन तैयार हो गया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बैठता है मोटर, ऑन करके देखा था, इसको सप्लाई दे दिया है, ये न्यूट्रल दे दिया है नीली, लाल काली और वाइट, फेज थ्री फेज तीन फेज है, तीन स्पीड, अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए
ऑन हो रहा है दोस्तों, नो प्रॉब्लम, ये मोटर अच्छी है। अभी लगाता हूँ दोस्तों, कूलर में लगाता हूँ। ये सीरीज पर लगाया मैंने, को डायरेक्ट भी लगा के दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्ट ज़रा जाम ज़्यादा घूम रहा है। इसको बिठाता हूँ दोस्तों, बिठाने जा रहा हूँ अभी कूलर में, उस कूलर में बिठाऊँगा। सब निकाल के रखा है, अभी नीचे बैठ के ही बिठाना पड़ेगा ज़मीन पर उस दोस्तों। और एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये देखिए इस शॉफ्ट को यहाँ तक खाच है पहली मोटर को। अभी नई मोटर को देखिए यहाँ हप है, यहाँ तक एक इंच ही है, नीचे तक खाच चाहिए। अभी दोस्तों इसे मुझे लेत वाले के पास जाना पड़ेगा, ग्राइंडर पर ऐसी खाच यहाँ तैयार करनी पड़ेगी दोस्तों, हाफ शॉफ्ट तैयार करना पड़ेगा। देखिए हाफ शॉफ्ट है, यहाँ गोलाई नहीं है, ये नीचे तक ऐसा करना पड़ेगा। मुझे बहुत अल्ट्रेशन करना पड़ता है दोस्तों, बहुत दिमाग खाता है, बहुत टाइम खाता है दोस्तों। जाएंगे अभी लेथ मशीन के पास, लेथ वाले के पास जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मीटर, ये मोटर बिठा रहा हूँ, देखिए इसे टैप करके लाया हूँ मैं, कल ग्राइंडर मार के यहाँ हाफ शॉफ्ट करके दिया उन्होंने, लेथ वालों ने। ये यही तक था, आपने देखा कल एक इंच ही था, पूरा नीचे तक करके टैपिंग करके लाया हूँ। अभी ग्राइंडिंग करके इसे हाफ शॉफ्ट करके लाया हूँ, देखिए इसे हाफ राउंड एक खाच रहता है ड्रम को, दिख रहा है आपको। अभी पूरा अंदर जाएगा, बराबर शॉफ्ट के अंदर जाएगा, इसे टाइट कर रहा हूँ दोस्तों। कसलं लायटर पाहिजे? दोन मिनिट देत। दोस्तों ये ऊपर का ड्रम बिठा दिया है, ये नट कस दिया है इसे, देखिए ये डंडी पर इस बिठा दिया है इसे, या इसे बैठता है इसमें। ये नीचे फाउंडेशन की चार स्क्रू और आगे से भी स्क्रू है इसे, ये आगे ऊपर सभी तरह स्क्रू है इसे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है, ऊपर है, बहुत सारे स्क्रू इसे लगाने पड़ते हैं। ये कनेक्शन है वायर का, अभी यहाँ पे दोस्तों बिठाऊँगा इस फाउंडेशन पर। देखिए आपको अंदर फुल दिख रहा है, अभी ऊपर का ढक्कन लगाना है इसे, ये ढक्कन भी लगाना है। ये ढक्कन ऐसा इस तरह बैठे गया, लॉकिंग सिस्टम है इसे, देखिए लॉक है, लॉक है, लॉकिंग सिस्टम किया है दोस्तों। बहुत ओल्ड मॉडल है ये, देखिए क्या क्या करना पड़ा, मोटर में भी अल्ट्रेशन करना पड़ा, परफेक्ट मोटर नहीं मिला, इसलिए शॉप का काम करना पड़ा। ये ऐसा इस तरह अभी बैठेगा दोस्तों ये, और ये ऊपर अभी होल है, ये बॉडी में बैठेगा यहाँ पर। रिपीट वॉचिंग दोस्तों, मैं पैक कर रहा हूँ फिर। वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।
ब्रेक चालू कर दिया है। बंद हो गया, सबमर्सिबल का भी आवाज आ रहा है, उसे भी खोलना पड़ेगा। ये पंप देखिए आवाज कर रहा है, बंद किया, देखिए आवाज आ रहा है। ये भी खोलना पड़ेगा दोस्तों, सबमर्सिबल आवाज क्यों कर रहा है देखता हूँ, अंदर कचरा वगैरह अटक गया होगा, ये भी निकालना पड़ेगा। और ये भी अभी घूम रहा है, टेस्ट किया मैंने, देखिए या कनेक्टर लगा दिए, ये स्विच का भी प्रॉब्लम क्या होता है, स्विच में भी पानी जाता है, ये दस्त पकड़ लेती है अंदर की पट्टियाँ, ये निकाला तो सब स्विच खराब हो जाता है, इसलिए कनेक्टर लगाया है। ये फर्स्ट स्पीड सेकंड स्पीड, लाल फर्स्ट स्पीड, वाइट सेकंड, ब्लैक थर्ड स्पीड, और ये कॉमन है नीला, नीला वायर कॉमन है। अब इसे टैग के साथ ही पैक कर दूंगा दोस्तों, ये भी कर दिया है, पूरा लगा दिया है, ब्लोअर पैक कर दिया है इसे। अभी फाउंडेशन पर फिट करता हूँ नीचे। दोस्तों ये चालू हो गया है पूरा, देखिए सबमर्सिबल पानी भी खींच रहा है। अभी ऊपर पीछे के ढक्कन को लगाने का पड़ता है, ये पाइप उधर लगाऊंगा पीछे यहाँ पे, बंद हो गया अभी, देखे रुक गए, अभी चालू करता हूँ इसे, देखिए आवाज आ रहा है। ये भी मुहिम हो रहा है, इधर उधर खींचने के लिए, देखिए दोस्तों टोटली रिपेयर हो गया है, दोस्तों तो वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लगभग 505 वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी आप देख लीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। ये टोटली कूलर ये दोस्तों टोटली रिपेयर हो गया है, बहुत ओल्ड मॉडल है तब भी रिपेयर हो गया, 2014 मॉडल है दोस्तों, रिपेयर हो गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये सबमर्सिबल का पाइप आता है आउटपुट का, ये इनपुट नीचे से पानी खींचता है, ये नीचे से हनी पेड़ पर ये पानी गिरता है, यहाँ इस कॉलर को ये पाइप आ गया, अब ये हनी पेड़ पर पानी गिरेगा दोस्तों चालू करने के बाद। इसे फिट करके दिखाता हूँ मैं आपको,
देखिए नीचे पानी आ गया। देखिए गीला हो गया हैनी पैड। देखिए अंदर पानी चढ़ो। दोस्तों ये टोटली रिपेयर हो गया। वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी ठंडी हवा नहीं चली हो भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।